तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एकदम ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ एक न्यू वीडियो, जो कि है फीडिंग माय शार्क फिश विद मैसिव अर्थवॉर्म। तो फ्रेंड्स, मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरी इतनी सी शार्क फिश कैसे इतना बड़ा अर्थवॉर्म को खा लेती है। और इससे पहले वाला एक पार्ट जो था उसमें आप लोग देखे थे, जब मेरा यही शार्क फिश जो है ये एक बहुत बड़ा अर्थवॉर्म को खाई थी, तो उसका हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरी जो इरिडेशन शार्क फिश है वो बाज नहीं आती। मेरी शायद इरिडेशन शार्क फिश को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा जो है वो उसको अर्थवॉर्म लगता है, और वो अर्थवॉर्म को खाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। और ऐसा ही कुछ आज का वीडियो में भी हुआ है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो अर्थवॉर्म जिसको आज मेरी शार्क फिशेस खाने वाली है। इसका जैसे कि आप साइज देख सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ा है। मेरी जो शार्क फिश है उसका साइज है लगभग 5 से 6 इंच का, और ये जो अर्थवॉर्म है ये अर्थवॉर्म का ही साइज मुझे लगता है कि 6 इंच से ज्यादा का है। तो चलिए अब इसको टैंक में डालते हैं और देखते हैं मेरी शार्क फिश जो है वो इसको खा पाती है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, टैंक में अर्थवॉर्म जा चुका है, और वो अर्थवॉर्म कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। और अब हम लोग को कुछ देर वेट करना होगा कि शार्क फिश जो है वो अपने से ही वो अर्थवॉर्म को खोज के निकाले, क्योंकि मेरी शार्क फिशेस बचपन से ही अर्थवॉर्म खाते आई है, इसलिए वो लोग अब वेल ट्रेंड हो गई है कि वो लोग को अर्थवॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी शार्क फिश अब अर्थवॉर्म को कम्प्लीटली खा चुकी है, आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं। और मेरी शार्क फिश को वो अर्थवॉर्म खाने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा, जो कि नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है। अगर फूड ज़्यादा बड़ा होता है तो फिश लोग क्या करती है, उसको वॉमिट करके बाहर निकाल देती है। लेकिन मेरे केस में आप लोग जैसे देखे कि फ़िश अपने ही ट्राई कर रही थी उस फूड को कम्प्लीटली ख़त्म करने का, और इसलिए उसको इतना टाइम लग गया है। अभी आप मेरा फिश का बेली देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और आप मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।